बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि एनसीसी हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करनी चाहिए या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो आज के लिए हम इसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात मैं यही कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, जहां पे भी एनसीसी मिल रही है ले लो। ठीक है, सबसे पहला वाला पॉइंट तो ये है, अगर आपको प्राइवेट स्कूल कॉलेज में कहीं पे भी है, कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज में वहां एनसीसी मिल सकती है तो बिल्कुल ले लीजिए, गवर्नमेंट में तो मिल सकती है तो बिल्कुल ले लीजिए, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी बात कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, प्राइवेट में क्या है कि आपका कैंप का पैसा लगेगा, ठीक है, वर्दी का पैसा लगेगा, ठीक है, यूनिफॉर्म जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसके अलावा और अदर कुछ चीज़ें हो सकती है, उसका पैसा लग सकता है। ठीक है, और रही बात गवर्नमेंट तो ये सब टोटली फ्री होता है। ठीक है, आपका कोई कैंप का पैसा नहीं लगना है, वहाँ पे आपके यूनिफॉर्म के लिए भी कपड़ा दे दिया जाता है, आप उसे सिलवा सकते हैं, उसका भी इवन पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मेरी बस एक ही बात को ध्यान रखना, जहाँ एनसीसी मिलती है उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता चल रहा है एनसीसी के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स एनसीसी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक तो सर्टिफिकेट का फायदा आपको पता अग्निवीर में मिल रहा है, तो एक तो उस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट एनसीसी ज्वाइन कर रहे हैं जो कि कैडेट बन रहे हैं। नेक्स्ट चीज है कैंप्स। ठीक है, एनसीसी में आरडीसी कैंप, टीएससी कैंप, वाईईपी, कुछ ऐसे कैंप्स हैं जो मतलब नेशनल लेवल के हैं कैंप है, कुछ इंटरनेशनल लेवल के कैंप है, और कुछ स्टेट लेवल के कैंप जो काफी यूनिक होते हैं अपने आप में और काफी कुछ सिखाने वाले होते हैं। ठीक है, एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस भी रहता है, तो उस तरीके से सर्टिफिकेट का बेनिफिट लेने के लिए और कैंप का बेनिफिट लेने के लिए भी स्टूडेंट एनसीसी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए, एनसीसी जहां से मिल रही वहां से ले लीजिए, क्योंकि सीट्स बहुत ही कम बचती है, मतलब बहुत मुश्किल है और कॉम्पिटिशन भी बहुत बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और एक और बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट में क्या होता है कि जनरली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा रहते हैं तो कंपटीशन भी ज्यादा रहेगा, प्राइवेट में कम ही मतलब थोड़ा कम एडमिशन होता है, जो कुछ कॉलेजेस रहते हैं वहां पे, जैसे हमारे कॉलेज में देखा जाए तो एडमिशन काफी कम होते क्योंकि मेरा नया ओपन हुआ है। ठीक है, तो वहां पे एनसीसी का भी कंपटीशन थोड़ा कम है, तो भर्ती में इजिली कैट्स लगभग जितनी सीट्स रहती है लगभग सभी स्टूडेंट्स का काम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज रहती है, और इवन कुछ सीट्स तो बची जाती है हमारे कॉलेज में, सो हम अदर कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी एनसीसी दे देते हैं, इस तरह की भी चीजें होती है। ठीक है, बाकी कई जगह तो ऐसा होता है कि सीट्स बचती ही नहीं है, ठीक है, उनके ही खुद के स्टूडेंट के स्टूडेंट्स रही जाते हैं एनसीसी में भर्ती होने से। ठीक है, तो ऐसी भी चीजें होती है, तो पहली बात तो है कि जहां एनसीसी मिल रही है वहां ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यही प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो इस प्लेलिस्ट में आपको एनसीसी भर्ती कैसे हो देते हैं, कैसे क्या चीजें होती है, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करना, बाकी आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको काफी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी एनसीसी रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।